नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली से दया एवं करुणा राष्ट्र अभियान का आगाज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने बेंगलुरु से किया कल्पतरु राष्ट्र अभियान का शुभारंभ। गृह राज्य मंत्री भी रहे उपस्थित। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के उत्थान के लिए ब्रह्म कुमारीज द्वारा भोपाल में सम्मेलन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूबाई पटेल हुए शामिल। और डेनमार्क के कोपनहेगन शहर में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए विशेष नॉर्डिक वर्कशॉप, डेनमार्क स्वीडन और नॉर्वे के 25 बी के मेंबर्स हुए शामिल। बुलेटिन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली की खबर से करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निर्धारित थीम दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान का दिल्ली में आगाज कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रिजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बी के आशा, हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बी के शुक्ला समेत कई दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से किया। शुभारंभ के पश्चात उन्होंने स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दया एवं करुणा की सिर्फ भारतवासियों को ही जरूरत नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को इसकी आवश्यकता है। आपने उत्कृष्ट मानव मूल्यों दया और करुणा के लिए समर्पित किया और आज दुनिया की सोच विचारों को परिवर्तन करने के लिए ये आजादी का संकल्प पर हम भारत में तो परिवर्तन करेंगे सही, लेकिन दुनिया के अंदर दया और करुणा का संकल्प संदेश पहुंचाने का संकल्प भी हम लेंगे। सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए बीके ब्रिजमोहन ने स्वयं में दया एवं करुणा भरने के लिए राजयोग मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से बुद्धि योग लगाने की बात कही। तो वहीं भारत में मंगोलिया के राजदूत गेन बोल्ट, मॉरिशस के उच्चायुक्त एसबी हनुमान जी, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी प्रेम परिवर्तन, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ के संस्थापक वी श्रीनिवास राजू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दुनिया में भिखारी रहे ही ना, इसको कहते हैं दया और करुणा। दुनिया में हॉस्पिटल रहे ही ना, इसको कहते हैं दया और करुणा। दुनिया में युद्ध हो ही ना, इसको कहते हैं दया और करुणा। दुनिया में कोर्ट कचहरी वकील हो ही ना, इसको कहते हैं दया और करुणा। एक व्यक्ति इफ ही कैन प्लांट 2.27 क्रोर्स, वन मैन कैन प्लांट 2.27 क्रोर्स, आई एम श्योर विद आवर स्त्री शक्ति वी विल बी एबल टू फार एक्सीड एंड गेट इन न्यू मूवमेंट टू ग्रीन एंड ट्रूली आई बिलीव दिस नेशन कैन बी बिल्ट नॉट बाय गोल्ड एंड सिल्वर but only by increasing the green area, afforesting the area which is dwindling below 20, and I am sure if all of us get together, we do can make it. इस दौरान ओम बिरला जी ने कल्पतरु राष्ट्र परियोजना एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया, जिसकी विस्तार से जानकारी कल्पतरु अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका बीके आशा ने दी। ऐसे ही बेंगलुरु में भी कल्पतरु राष्ट्रीय परियोजना का आगाज हुआ, जिसके शुभारंभ अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद गहलोत, गृह मंत्री अरागा जनेंद्र, ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बी के डॉक्टर निर्मला, कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ के संस्थापक वी श्रीनिवास राजू, विवीपुरम सब जोन प्रभारी बी के अंबिका मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और पौधारोपण करके अभियान का आगाज किया। गोटीगेरे स्थित विश्व शांति राजयोग भवन में आयोजित समारोह में 2500 से भी अधिक लोग मौजूद रहे, जिन्हें राज्यपाल ने संबोधित करते हुए अभियान के सफल होने की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात अन्य अतिथियों ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए।
हर क्षेत्र में पर्यावरण सुधार की आवश्यकता है, सामाजिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस संबंध में जानकारी दी कि इस कलयुग में बहुत सारी विकृतियां आई है, इन विकृतियों को दूर करने के लिए मनुष्य को सद्मार्ग पर चल के दूर करने की जरूरत है। ब्रह्म कुमारी संस्थे ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಾರಣ ಬಯಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಶಾಂತಿಗೆ ಸಬ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಾಗರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಸ್ಥಾಪನ ಕರ್ತೆ ಹೇ. स्वर्णिम भारत का आधार बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भोपाल के राजयोगा भवन में महासम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल ने, विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह, भोपाल जोन के निदेशिका बीके अवधेश, रोहित नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना की मौजूदगी में किया। पहली जो बात आई तो बेटी बचाओ की बात आई, पहला कैबिनेट था उन्होंने पहली बात आई कि अपने को बेटी बचाओ में जोर देना है, बाद में आया बेटी पढ़ाओ, बाद में आया बेटी बढ़ाओ, और यहाँ भी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सारे देश में महिला सशक्तिकरण की इतनी आवश्यकता है, आज अपने पेपर में जो पढ़ते हैं, बेटी वो है जो समाज की नींव है, जो समाज की एक सबसे बड़ी आधारशिला है, समाज की वो आत्माएं है, समाज जिन पर निर्भर है। किसानों के लिए एक ही दिन में 108 जागरूकता कार्यक्रम करने वाली बीके बहनों को कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल जी ने सम्मानित किया। अब खबरें आजादी के अमृत महोत्सव की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्म कुमारीज द्वारा एक साल में 15,000 जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य रखा है, और इसी के चलते ब्रह्म कुमारी संस्था लगातार देश विदेश में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खबरें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की खबर, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राज्य विद्युत मंडल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर ट्रैफिक सिंबल्स का वर्णन किया और सभी को यातायात नियमों को पूरी तरह से पालन करने की प्रतिज्ञा कराई। ये साइन आपने देखा होगा, ये है प्लैनेटरी स्वयं मशीन। हमारे जीवन में कौन चलाता है, बाहर खोलना देखिए, अंदर भी मनुष्य चुलस्ता है, चुलस्ता जाता है इच्छा के कारण, और आजकल तो क्या नहीं होता है इच्छा की वजह से। तो इसीलिए हमने फील किया कि मैं अपने आप में कोई यूनिक पर्सन, मेरे जैसी पर्सनैलिटी किसी की नहीं है, तो मैं दूसरे से जरूर क्यों, मैं एक और अपने अंदर दिखा कि आई एम अ यूनिक पर्सन, नो वन कैन प्ले माय रोल बेटर देन मी। कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर के कार्यपालक निदेशक संजय पटेल, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भूषण लाल वर्मा भी उपस्थित रहे। अब दूसरी खबर गुरुग्राम की, जहां डीएलएफ फेज 2 में समाज सेवा प्रभाग द्वारा चलाए जाने वाले अभियान के लॉन्चिंग प्रोग्राम में 75 समाज सेवी संस्थाओं से 300 लोग शामिल हुए, जिन्हें समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम ने आध्यात्मिकता के महत्व को बताते हुए जीवन में अपनाने की बात कही। इस कार्यक्रम में सेवा भारती के वाइस प्रेसिडेंट निधि अहूजा, दिल्ली खानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, राजस्थान के कोटा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला, कर्नाटक गुलबर्गा की बीके शिवलीला, अमरावती की बीके सीता, बीके वंदना भी मुख्य रूप से मौजूद रही। निधि अहूजा ने इस दौरान अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि मैं ब्रह्म कुमारी संस्था की निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित हूँ,
आपके साथ इस अभियान से जुड़कर सेवा करना चाहूंगी। अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। जातान से नगर सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पतंजलि संगठन के कुछ सदस्य, कई समाज सेवी, चिकित्सक, अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। माउंट आबू से आईबी के कीर्ति ने सभा में मौजूद लोगों को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए कहा कि राजयोग हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। तो वहीं गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके ज्योति ने दिन की शुरुआत कुछ देर मेडिटेशन और आध्यात्मिक पुस्तकों के अध्ययन से करने की बात कही। इसी तरह तानसेन रोड स्थित पड़ाव थाने में पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त रहने के कई कारगर उपाय बताए। ऐसे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्वच्छता अभियान के तहत ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर स्थित तालाब की सफाई में ब्रह्म कुमारी दिव्य संस्कार भवन के बी के सदस्यों ने श्रमदान किया। वही रीवा में पुलिस कर्मियों को राज्य मेडिटेशन द्वारा नशा मुक्त और तनाव मुक्त बनने की जानकारी दी। ऐसे सिंगरौली में बीके शोभा को सिंगरौली महोत्सव में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। बीके शोभा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीस ऑफ माइंड पाने के लिए अपनी दिनचर्या में राजयोग मेडिटेशन को शामिल करें। इसी तरह ग्वालियर के नवजीवन हॉस्पिटल में गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके ज्योति ने हॉस्पिटल के अधिकारियों और कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने की कई कारगर युक्तियां बताई। तो वहीं माउंट आबू के बीके कीर्ति ने हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की बात कही। कार्यक्रम में नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर ब्रजेश सिंघल, IMGR मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अशोक मिश्रा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ऐसे पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति अभियान के तहत रिक्शा चालकों, रिक्शा मालिकों और रिक्शा संघों के लिए आयोजित कार्यक्रम में बीके रोहिणी ने व्यसन सेवन का कारण और निवारण पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान कार्यक्रम में आप परिवहन संघ के अध्यक्ष श्रीकांत आचार्य, सचिव आनंद अंकुश, पुणे रिक्शा फेडरेशन के कोषाध्यक्ष बापू साहब भावे भी मौजूद रहे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन शहर में ब्रह्म कुमारी से जुड़े भारतीय समुदाय के लोगों की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए विशेष नॉर्डिक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के 25 बीके मेंबर शामिल हुए। 3 दिवसीय इस वर्कशॉप के दौरान संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती, संस्था में युवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका, अफ्रीका के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके वेदांती, स्वीडन के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लोता ने पार्टिसिपेट्स का ऑनलाइन क्लास द्वारा मार्गदर्शन किया। इस नॉर्डिक वर्कशॉप की थीम फॉलो फादर रही, जिसमें अमृत वेला, मुरली मंथन, फैमिली टाइम, बाप दादा मिलन, क्रिएटिव योग, साइलेंस अनुभूति जैसी कई एक्टिविटीज शामिल रही, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उमंग उत्साह से भाग लिया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।